हमारे बैच में से कम 18-19 बच्चों को बाहर कर दिया, वो भी हाइट की वजह से, और सब ठीक है। रनिंग के लिए फुल टाइम दिया। फुल टाइम दिया जा रहा है। हाँ 100 बच्चे थे आपके बैच हाँ में, तो कितने बच्चे पकड़े उनमें से? उनमें से पकड़े 47 बच्चे। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो यार, ठीक है ना? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ग्राउंड से निकल कर बाहर आ रही है, क्योंकि उस तरफ में वीडियो बनाने देते नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इधर ही रुक गया हूँ। वहाँ पे पुलिस वाले और जो आर्मी भाई हैं वो सभी रोक टोक करते हैं, तो मैं इसलिए यहीं रुक गया हूँ। ये भाई और आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, ठीक है ना? ये भी शायद मेरे को लगता है ग्राउंड से ही आ रहे हैं, सीधा बात करेंगे तो मालूम चलेगा अभी क्या कांड रहा है। ये लोग बाहर आ गए आज, थोड़ा सा भी चांस बन दे रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं आज जिनको हाइट पे, हाइट की वजह से निकाला जा रहा है, बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा रही है, ठीक है ना? और इसका जो फिजिकल में रनिंग था, रनिंग टाइम क्या, एक्सीलेंट मारा भाई, तो एक्सीलेंट है भाई ने, एक्सीलेंट मारा, देखो फिर भी रह गया। उसके बाद डिप्स वगैरह, बीम वगैरह, वो सब क्या क्या हुआ? डिप्स एकदम बढ़िया कर रहे, 6 में पास कर रहे, और 8 मैंने 8 निकाली थी। आपने, आप 8 निकाली थी, वैसे 6 है 6 कर दोगे तो आप पास हो, क्यों ना पास है। और मतलब कितने बच्चे एक साथ डिप्स लगाते हैं? 2 बच्चे एक साथ लगाते एक हैं, एक बार में 2 बच्चे लगाते हैं डिप्स से। और वहाँ पे अंदर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह, उससे पहले और कुछ क्या क्या किया गया? डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद में वो अलग अलग बाड़े होते हैं, उन्हें ले जाके बैठा देते हैं, और कुछ घंटों के बाद में रनिंग के लिए स्टेडियम में ले जाते हैं। तो आपका जो बैच था वो कितने बच्चों का था? हमारा बैच था 100 बंदों का था बैच। 100 बच्चे थे आपके बैच में, तो कितने बच्चे पकड़े उनमें से? उनमें से पकड़े 47 बच्चे। हमारे बैच में से कम 18-19 बच्चों को बाहर कर दिया, वो भी हाइट की वजह से, और सब ठीक है। हाइट 47 बच्चे पकड़े, तो उस 47 बच्चों में से आपके बैच में से अभी मतलब तो कितने बच्चों को बाहर कर दिया गया है? हाइट की वजह से 18-19 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। और अभी और बच्चे जो बाहर आ गए थे, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा है जो डिश, वो बीम लगाते हैं उसके अंदर से बाहर निकाल, और जो वो बैलेंस बनाते हैं उसमें किसी को निकाला बाहर? नहीं, नहीं, और किसी में नहीं निकाल रही है, बस हाइट में, हाइट में रह गया वो। और डिप्स में भी निकाल रहे हैं कुछ बंदों को, जिसे एक दो भी नहीं निकाल रही है ना, उन्हें निकाल रही है। अच्छा, मतलब कितने टाइम के लिए रोका जाता है उस डिप्स पर? नहीं ज्यादा तो नहीं, बस अप डाउन बस बताते रहते हैं उसी टाइम अप डाउन। और रनिंग के लिए आपको कितना टाइम मिला? रनिंग के लिए फुल टाइम दिया, फुल टाइम दिया जा रहा है। बस ये है कि जो जल्दी दौड़ के आ रहा है वो सेलेक्ट है, बाकी जो जल्दी दौड़ के नहीं आ रहा है उसके लिए पूरा टाइम भी कोई मायने नहीं रखता, क्यों ना? 4 राउंड पूरे काट रहे हैं, वो आराम से पास है वहाँ। तो लड़के लोग 4 राउंड बहुत कम काट रहे हैं। अच्छा, मतलब जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको वहीं रोक लेते हैं क्या मालूम होता है? नहीं 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 रोक रहे, वो फर्स्ट या सेकंड राउंड में रोकते हैं, बाद में बंदा दौड़ते है, वो तो मोटिवेट करते हैं वैसे तो। अच्छा चलो, वो तो मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई दौड़ लगाओ रुको मत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जानकारी दी, और भी बच्चों के काम आएगी, लेकिन भाई की हाइट की वजह से तो आप भी अपना ध्यान रखना भाई। जिसकी हाइट नहीं है तो पहले थोड़ा मतलब जो भी और किसी से भी मतलब फॉर्म वगैरह भरते हैं, जिससे हाइट में छूट मिलती है, मिलती है छूट ऐसे कुछ? कलर में मिलती है, कलर में छूट मिलती है। और आज किसका था? टेक्निशियल का। टेक्निशियल में कोई छूट नहीं थी, कल कलर वालों का था, तो उन्हें भाई ने बोला था कि मेरी थोड़ी सी हाइट कम थी लेकिन मेरे को फिर भी सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है ना? ऐसे बहुत सी लड़की हैं जिनको सिलेक्ट भी किया गया, किसी को नहीं भी किया गया, ठीक है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद।